होता है। कह रहा हूँ इनसे मिलने जाओ तो कहते साहब बिजी है, तेरी किसी राज्य में सरकार नहीं, तू कहाँ बिजी है। बस मास्टर। सो हां जी दोस्तों, क्या हालचाल है, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। दोस्तों चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब दोस्तों इसी बीच मीम्स की भी एक तरह से बाढ़ सी आ गई है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक से बढ़कर एक मीम, जिसे देखने के बाद बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। दोस्तों आगे बैठने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिना किसी देरी के। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत में राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सोशल मीडिया का प्रधानमंत्री बनकर अपनी कॉमेडी जारी रखूंगा। खटाखट खटाखट खटाखट। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मई 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक मैं बात नहीं कह सकता कि कोई सिंगल पार्टी नेशनल लेवल पर और अल्टरनेटिव देकर सामने आएगी, ऐसी स्थिति है, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता। और अगली सरकार मोदी जी की नहीं बनने वाली है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं और भाजपा जो है सत्ता में दोबारा नहीं आने जा रही है। क्लियर कट फीलिंग है कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ये सोमनाथ भारती जी ने जो बयान दिया था कि अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा, आज उसी मुंडन की तैयारी हो चुकी है। मुंडन की तैयारी हो रही है, मुंडन आज हम मुंडन करा के छोड़ेंगे इनका, क्योंकि ये अपने वादे पे, इन्होंने बोला था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। आज सोमनाथ भारती जी आपको सर मुंडवाना पड़ेगा। क्या मुंडवाएंगे अब? ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है, कह रहा हूं कैसे है, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन आप लिख लो, मीडिया वाले लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे राहुल गांधी जी आप देख लो, नहीं आप लिख लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वो तो 1 लाख की लाइन में खड़ी है। चलो आगे जाते हैं भैया, अम्मा जी 1 लाख की लाइन में गई हैं। 1 लाख की लाइन, 1 लाख की लाइन, 1 लाख। अरे पार्वती, क्या ये है 1 लाख की लाइन? कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की सहायता राशि की लाइन है ये, तो कहानी घर घर की है। तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी तो नसीब की बात होती है दीदी। तो रुको जरा, सबर करो। ऐसे ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं तो कोई ऐसा संदेश नहीं है। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना, देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों के लिए ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ।
नहीं नहीं, ऐसे कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है? सब फर्जी है, ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है, वोट इकट्ठे का ये बनाया है। और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगों नहीं आता है। ये देखो इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो लग रहा है, कांग्रेस का पंजाबी छप रहा है। फॉर्म में कोई ऐसा फोटो नहीं है, तो इसमें भी जब बीजेपी निकाला था तब भी फोटो नहीं था। कांग्रेस की एक चाल है, सिर्फ वोट लेने के लिए चाल है, कोई योजना नहीं है ये। यानी कि कांग्रेस फर्जीवाड़े कर रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े कर रही है, आम जनता को बरगरा रही है। वो फॉर्म वो जो औरतों के लिए भरा जा रहा है उनको पैसे मिलेंगे, राहुल जी वाला खटाखट वाला? जी हाँ। उनको भी हंसी आ रही है, सारे लोग हंस रहे हैं। वो सरकार बन जाएगी तब ना? जी हाँ, जब बनेगी जब ही तो मिलेगा। कितने हजार रूपए? 8,500 रूपए। 8,500 जी, भरिए और लीजिए जी खटाखट। ये गांधी फैमिली, ये अपने आप को बॉर्न राजा मानते हैं इस देश का। राहुल गांधी, इनका बस चले तो क्राउन लगा लेंगे। इनसे मिलने जाओ तो कहते साहब बिजी है, तेरी किसी राज्य में सरकार नहीं, तू कहाँ बिजी है? सॉरी 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 सॉरी, भाई तुम्हारी किसी राज्य में सरकार हो तो तुम बिजी हो तो हम मान लें। तुम्हारी किसी राज्य में सरकार नहीं, राजस्थान में है, एक दो राज्य में और होगी, तुम कहाँ बिजी हो? प्रधानी का चुनाव तुम जीतोगे नहीं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नमस्कार, मैं राहुल गांधी जी। नमस्कार, मैं ब्रजेश पंडित, और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि वो जो हम सबके अकाउंट में खटाखट वाले रुपए आने थे 8,500, वो कहाँ रह गए? खत्म। मजा आया। भाजपा हार गई दोस्तों, बधाई हो। बीजेपी हार गई, अब्दुल चाचा बीजेपी हार गई। बेटा हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बीजेपी हार गई। अरे चाचा विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि बीजेपी हार गई, लेकिन एनडीए जीत गई। अयोध्या महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए महिलाओं को, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, 1,00,000 करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे। I think we'll defeat the BJP in the next election. आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी इज नॉट गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर, गारंटीड। नरेंद्र मोदी नॉट गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर, ऑलराइट, गारंटीड। वन ऑफ द रीजंस, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, घर में अपने टीवी फोड़ते हैं, क्या उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? उनके घर के आगे बिल्डोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये बिल्डोजर ऐसे मानसिकता वाले लोगों के घर चलना चाहिए, और इसका ऐसे मानसिकता खोज के कहां से कौन से उससे दिखता है? क्लास मैग्नीफाइंग क्लास से दिखता है क्या? अंजना जी, हमारे एक भाई साहब ने, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने पूछा कि कुछ लोग टीवी फोड़ देते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या उनका घर बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए? आपने सही कहा कि कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, क्योंकि वो जनता है, साधारण भाषा में उन्होंने बोला है। मगर अंजना जी, हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के लिए चेयर अप कर, और देखिए 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 बैठी ही है, वैसे लोग हमारे साथ ही बैठे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यही देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, नाराजगी इनको हो रही है। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कायदा थी स्थापित भारत ना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। मैं
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भैया प्लीज ले लो यार वापस। यार भैया ले लो लड्डू वापस, खुशी नहीं है, क्या करेंगे बताओ, इन लड्डुओं का जीते ही नहीं। 50% ऑफ पे ले लो यार, आधे रेट में ले लो, हम क्या करें लड्डू का, कोई खाने वाला नहीं हमारे में तो। देखो ले नहीं लोगे? अरे तो ले ही नहीं रहे, तेरे चक्कर में हो गया सारा, जीत जाएंगे इतनी सीट आ जाएंगे, क्या करें लड्डू का। अगली बार जब रिजल्ट आएगा भाई तभी लेंगे, उससे पहले लेंगे ही नहीं डब्बे। ओवर कॉन्फिडेंस है भाई, तू निकल जा पहले जा। हाँ भाई तू ही निकल, तेरे चक्कर में हो गया सारा। दूसरी पार्टी वाले को फोन कर ले, वो ले लेंगे आधे रेट में, वो जीत गए। भारत की आधी जनता तो इसलिए दुखी है कि वो 400 नहीं कर पाए, और आधी तो इसलिए दुखी है कि अब उनके खाते में खटाकट 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 पैसे नहीं आएंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.